मटन हमारा बन के एकदम तैयार है। देखिए इसको चला लेते हैं। देखिए मटन एकदम बन गया है। देखिए क्या ज़बरदस्त बना है मीट मटन है। इसको मटन बहुत बढ़िया हम लोग बनाए हैं पूरे 2 घंटा। ये हमारा बना है मटन, तो पहले मटन को ही टेस्ट करते हैं। बड़ी चर्बीदार है। मस्त बना है भाई। मैं खाना खाकर सो गया था, खाना खा के थोड़ा लेट ही खाना खाया हम लोग 3:30 बजे। तो चलिए अब चलते हैं, थोड़ा जगह हैं, चाय वाय पी लिए हैं, फ्रेश हो गए हैं, अब गाड़ी के पास चलेंगे। गाड़ी का भी थोड़ा लाइट जलाना है। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे। तो गाइस आज हम अपने घर में हैं, तो घर में हैं तो खुशहाल मैं भी हूँ, आशा करते हैं आप लोग भी खुशहाल हो। तो चलिए अब यहाँ से आज मतलब हम गाड़ी छोड़ेंगे नहीं, यहाँ से गाड़ी हमारी कल छूटेगी। और आज अपने घर पे है, संडे का दिन है, तो आज हम लोग प्लान किए हैं एक दो आज बच्चे लोग के साथ कि मैंने आज मटन बनाएंगे, मटन पार्टी घर पे होगा। और ऐसे गाड़ी छोड़ने का कोई ये टारगेट नहीं है। गाड़ी छोड़ने का मतलब आज संडे हो गया, आपको कल बता रहे थे ब्लॉग में संडे का दिन, तो अभी तक पार्टी एडवांस नहीं डाला है। पार्टी एडवांस नहीं डालता है तब तक गाड़ी हिलाना ठीक नहीं है, पहले पैसा डालो, नहीं तो झुलाने लगते हैं कई रास्ते में। तो चलिए वो बात की बात है, वो डाल देगा पैसा। तो आज हम लोग घर में मटन पार्टी करेंगे, तो चलते हैं अभी बाज़ार। और अभी पहले फिलहाल मैं नाश्ता करता हूँ, मुँह धो के फ्रेश हो गया हूँ, दिन के 9:30-10 हो रहे हैं, तो चलते हैं नाश्ता कर लेते हैं। तो ये नाश्ते में है हमारा आ गया मकुनी, सत्तू भरा हुआ पराठा और भुजिया, खाने में बहुत बढ़िया लगता है, तो खाते हैं। खाने में बहुत टेस्टी होता है नाश्ते में मकुनी और रोटी, माने मकुनी भबरी बोलते हैं और भुजिया, तो खाते हैं। ये है मकुनी, बढ़िया लग रहा है, बहुत टेस्टी होता है। ये नीमकी का अचार है, मतलब नींबू में डाला हुआ मिर्ची। खाते हैं, हमारा नाश्ता पानी हो गया, नाश्ता कर लिए हैं और जा रहे हैं बाज़ार। और रेबिट के लिए हमारा खाना भी लेना है, मतलब उसके लिए साग लेना पड़ता है, तो इसका एक माने ज़्यादा फैक्ट है। हम लोग सब्जी खाएं ना खाएं चले गए थोड़ा कम ज़्यादा, लेकिन अब ये लोग हरी पत्ता साग सब्जी ही खाता है, तो चल के लेते हैं। ओए देखिए जब इसको बोलते हैं आता है इधर, खाना खा, आ जा चलते हैं। अभी हम नीमपुरा बाज़ार में हैं, यहाँ सब्जी ले रहे हैं, मिर्ची उर्ची ले लिया हूँ। और अंकित थोड़ा मार्केट से आ रहा है, हम लोग अब यहीं से और थोड़ा लेना है सब्जी उब्जी, देखते हैं। और रेबिट के लिए हरी पत्ती उत्ती लेना है, तो चलते हैं आगे और देखते हैं। अंकित आ रहा है, इस साइड से आएगा, उसी का वेट कर रहे हैं। यहाँ ले लिया मैं लहसुन मिर्ची प्याज। तो अभी हम चले आए गाड़ी के पास, थोड़ा गाड़ी में देखते हैं। अरे मैंने सुबह से कल रात को जो खड़े गए थे आया नहीं था, एक बार आ गए, गाड़ी स्टार्ट कर लेते हैं, फिर यहाँ से चलते हैं घर। छोटू को बोला था आने के लिए, लेकिन सुबह से अभी तक हमको दिखा ही नहीं, तो चलते हैं गाड़ी थोड़ा स्टार्ट कर लेते हैं। तो आ गए गाड़ी में, गाड़ी ठीक ही है, गाड़ी में कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ है, इसीलिए सुबह शाम गाड़ी देखना चाहिए। तो चलते हैं यहाँ से घर में जाके, फिर खाना भी बनाना है अपने से, मटन लाया हूँ। तो हमारा खाना बनना स्टार्ट हो गया, ये यहाँ पे हम लोग बाहर में बनाएंगे और गैस पे नहीं बनाएंगे, हम लोग भट्टी पे बनाएंगे। भट्टी पे मटन का टेस्ट बहुत बढ़िया होता है, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। मटन मसाला हमारा सब कुछ रेडी हो गया, मटन धोना है अभी, तो मैं अपने से धोऊंगा। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पे हैं तो फॉलो कर लीजिए। चलते हैं खाना बनाते हैं। हमारा मटन धो लिए हैं, मटन 1 किलो है, 1 किलो से ज़्यादा ही है, 1 किलो 100 ग्राम है। और प्याज काट लिए हैं, तो प्याज को अब मटन को एक साथ मिला देंगे इसमें, और ये मसाला को मिला देंगे, और इसको फ़ौरन को जलने देते हैं। तब इसमें डालेंगे 4 लहसुन, लहसुन भी है, इसको मिला लेते हैं मटन को, मटन और मसाला इसको बढ़िया से मिलाना है। और हमारा सब मसाला डाल दिया गया है, एक मसाला है महाराष्ट्र वाला, वो डालेंगे 1 चम्मच। इसमें थोड़ा ये नमक डाल देते हैं अपने टेस्ट के अनुसार, और ये गोईठी के आग पे बनाते हैं मटन, तो बहुत बढ़िया बनता है। बना रहे हैं आस्ते आस्ते, आराम से बनेगा, इसको 2 घंटा बनाना पड़ेगा इस पर। ये है हल्दी, ये थोड़ा मसाला है महाराष्ट्र वाला, ये हमारा जल गया है लहसुन और मिर्ची, अब इसमें डालेंगे मटन को। यही वाला पानी इसमें थोड़ा सा, ये मसाला वाला पानी इसमें डाल देंगे मटन।
तो एक बार इसको बढ़िया से मिला लेंगे। मटन को चारों तरफ से मिला दिए कलछुल से, बढ़िया से मिल गया। हल्का सा पानी भी इसको दिए हैं, मसाला वाला पानी। अब इसको ढक देंगे पूरा, इसको बैठा हुआ बनाएंगे। इसको हम लोग बोलते हैं बिहार में औधा, चाहे बैठा हुआ, एक ही चीज़ हुआ, बोलने का अलग अलग तरीका होता है। अब इसको ढक देंगे बढ़िया से, इसमें आँच लगाते रहेंगे। अब इसको पूरा आधा घंटे के बाद देखेंगे। तो आधा घंटा हो गया, एक बार थोड़ा मटन को चलाते हैं। तो उठाते हैं ढक्कन इसका, और ये है हमारा मटन। इसको एक बार चला लेते हैं। मटन पानी छोड़ा है, मटन तो फूल के बड़ा बड़ा हो गया है। अभी इसको इस पे धीमे धीमे आंच पे पकाएंगे, मटन खूब बढ़िया होगा। फिर आधे घंटा बाद एक बार चलाएंगे। हम लोग अभी बेढ़ा गेट बना रहे हैं, सब टूट गया है। तो आज फ्री हैं तो सोच रहे हैं कि आज सब ये सब बना दें, गेट उट बढ़िया से ये सब बना देते हैं। क्यों, जानवर गाय वो इधर से खटाल है, जानवर सब गैया आता है तो घर में सरसरा के घुसता है, माने कुछ खाने वाने को मिल जाता है, इसी की वजह से, वही लोग की वजह से टूट गया है। तो बढ़िया से गेट उट बना देते हैं। तो चलिए बनाते हैं। एक बार मटन को चलाएंगे, पूरा एक घंटा से हम लोग बैठाए हैं, तो एक बार इसको चलाते हैं क्या कंडीशन है। ये देखिए मटन फूल के एकदम हो गया है, रसगुल्ला जैसा। अब इसका सटने लगा, अब इसको चलाते रहना पड़ेगा बार बार, माने ज़्यादा करके अब चलाना होगा। इसको भूजना है, प्याज गल गया एकदम, अब नीचे सट रहा है। तो अब ढक दिया चला के, अब इसमें थोड़ा पानी डाल देंगे, मसाला वाला पानी है। पानी डालने से क्या होगा कि मसाला जो है नीचे जलेगा नहीं, पकड़ेगा नहीं। तो पानी डाल के फिर छोड़ देते हैं 10-15 मिनट के लिए। मटन पे पानी बैठा दिए हैं, अब कुछ देर के लिए फिर छोड़ देते हैं। इसको ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करना है, मटन को ज़्यादा छेड़छाड़ करेंगे जल्दी उगाएंगे तो क्योंकि ख़राब हो जाता है। थोड़ा देर उसको, थोड़ा देर बाद दो घंटा पूरा पकाना पड़ता है, यानी 4 टाइम में समझ लीजिए, 30 मिनट बाद, उसके बाद वाले एक घंटा में 15 मिनट बाद, 6 टाइम। पहले एक घंटा, 2 टाइम, बाकी एक घंटा, दूसरा एक घंटा, 4 टाइम उसको चलाइए, मस्त बनेगा। तो चलते हैं, बाकी और भी उधर गेट हमारा बन रहा है, वो बना देते हैं। ये हमारा रेबिट खा रहा है अभी, तभी इसको भूख नहीं लगा था, अभी भूख लगा तो मस्त खा रहा है। आजा, एक बार चलाते हैं मटन को। पहले ये देखिए इसमें पानी गर्म हो गया है, अगर जब पानी मांगेगा तो यही पानी डालेंगे। और उतार चलाते हैं मटन को। वाह, नजदीक देखिए मटन नीचे लग रहा है यार, एकदम जबरदस्त बना है इसका रेसिपी, देखिए। अब इसमें पानी डाल के इसको ढक देंगे, पानी डालते हैं ये वाला गर्म पानी। तो भाई लोग थोड़ा मटन को देखते हैं, और मटन हमारा बन के एकदम तैयार है। और देखिए इसको चला लेते हैं, देखिए मटन एकदम बन गया है, खाने भर का हो गया है। अब इसको अब आग को बुता देते हैं, मटन बन गया। अब चलते हैं उधर बेढ़ा बनाना है। भाई लोग ये सब बेढ़ा वेढ़ा बांध दिए, गेट वोट बढ़िया बना दिए, अब टाइम भी बहुत हो गया, अब चलते हैं नहाने और खाना खाने। खाने में हमारा मटन बन के तैयार है, ठंडा भी हो रहा है, तो चलते हैं अब नहा के खाते हैं। नहा धुआ लिए, नहा धुआ के एकदम फ्रेश हो गए, और टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया और भूख भी लग गया। तो अब चलते हैं खाना खाते हैं, हमारा खाना निकल रहा है यहाँ पे। देखिए क्या ज़बरदस्त बना है, मीट मटन है इसको, मटन बहुत बढ़िया हम लोग बनाए हैं पूरे 2 घंटा। बैठ गए हम लोग खाने के लिए, हम हैं छोटू है, बैठा हो तुम उन्हें, और खाते हैं। ये हमारा बना है मटन, तो पहले मटन को ही टेस्ट करते हैं, बड़ी चर्बीदार है। मस्त बना है भाई, चावल खाते हैं दिल गार्डन गार्डन हो गया। बंगाल क्या है ना, मटन का टेस्ट बंगाल में बिहार में ही इधर ही बनता है बढ़िया, हमारे गांव तरफ बिहार में
या तो बंगाल में। जब उड़ीसा छत्तीसगढ़ निकल जाते हैं तो पैसा बेकार हो जाता है, मटन अच्छा बनता ही नहीं है। पानी पानी का भी फर्क है, क्लाइमेट का देना है। खाते हैं, हमारा खाना पीना हो गया, खूब खाए भाई, मटन बहुत ज़बरदस्त बना था। अब चलते हैं, आराम करते हैं 2 घंटा, अब शाम को देखेंगे क्या करना है क्या नहीं। तो चलते हैं, आराम करते हैं। गुड इवनिंग दोस्तों, शाम के 6:30 हो रहे हैं और अंधेरा हो गया है। मैं खाना खाकर सो गया था, खाना खा के थोड़ा लेट ही खाना खाया हम लोग 3:30 बजे। तो चलिए अब चलते हैं, थोड़ा जगह हैं, चाय वाय पी लिए हैं, फ्रेश हो गए हैं, अब गाड़ी के पास चलेंगे। गाड़ी का भी थोड़ा लाइट जलाना है। तो अभी हम गाड़ी के पास चले हैं, गाड़ी हमारी पेट्रोल पंप पे है। और देखिए वहाँ का तिरपाल हमने कल ढक के बांधा था, तिरपाल खुल गया है, तो देखते हैं कल ठीक कर देंगे। अब लगता है बड़ा तिरपाल डालना पड़ेगा, वो तिरपाल छोटा था उड़ गया हवा में लग के। ये देखिए तिरपाल खुल गया है कि कोई खोल दिया, अब ये तो मालूम नहीं, लेकिन माल उठा के लेके जाने वाला है नहीं। खुला है भी तो कोई बात नहीं है, बारिश में नहीं भीगना चाहिए, तो इसको हम ढक देंगे। अभी अभी तो बारिश का मौसम नहीं है, मतलब बारिश का जैसा नहीं दिख रहा है आसमान में। हमारा खाना पीना हो गया, अब रात को 10 बजने लगे, अब चलते हैं आराम करने के लिए। यह है बिछौना हमारा, तो अब सोते हैं। इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।